अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, इसका नाम है क्रीमी सीवियाँ। ये सीवियाँ जो हैं बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और मैं आपको अपने स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं क्रीमी सीवियाँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। क्रीमी सीवियाँ बनाने के लिए जो आपको चीजें चाहिए होंगी वो आप नोट डाउन कर लें। ये मेरे पास कलरफुल सीवियाँ हैं, तकरीबन मैंने एक कप लिया है। कंडेंस मिल्क है, हाफ कप आपको चाहिए होगा कंडेंस मिल्क। चीनी चाहिए होगी हाफ कप। ये दूध है, दूध मैंने लिया है 1 लीटर। इलायची पाउडर आपको चाहिए होगा 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। 4 मगज थोड़े से आपको चाहिए होंगे। डेसिकेटेड कोकोनट आपको चाहिए होगा 4 टेबलस्पून। थोड़े से आलमंड आपको चाहिए होंगे, छिलका मैंने इनका उतार लिया है, तकरीबन 15 आलमंड है। और ये फ्रेश क्रीम आपको चाहिए होगी हाफ कप। सबसे पहले क्या करेंगे, चूल्हे के ऊपर एक मैंने पतीली रख दी है और पतीले में मैं दूध ऐड कर रही हूँ। दूध को अब हमने बॉईल करना है। तो ये देखें, दूध हमारा बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर है। साथ ही मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें, मैंने चीनी भी ऐड कर दी है और इलायची पाउडर, और साथ मैंने इसमें सीवियाँ ऐड कर दी हैं। सीवियों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो डेसिकेटेड कोकोनट है, 3/4 टेबलस्पून आप ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर दूंगी। और अब क्या करेंगे, हम दूध को गाढ़ा होने के तक के लिए ठहरा देंगे, और जब तक हमारी सीवियाँ भी सॉफ्ट नहीं हो जाती, गल नहीं जाती। तो ये देखें व्यूवर, सीवियाँ हमारी गल चुकी हैं, दूध भी थोड़ा थिक हो चुके हैं। अब मैं इसमें बादाम ऐड कर दूंगी थोड़े से, ये कट किए हुए मैंने बादाम डाल दिए हैं। और अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क से हमारी सीवियाँ बहुत मज़ेदार बनती हैं। कंडेंस मिल्क को अब मिक्स कर दूंगी और दूध को मैं मज़ीद गाढ़ा होने के लिए ठहरा दूंगी मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखें व्यूवर्स, थिक हो चुका है हमारा जो मिल्क है और सीवियाँ भी हमारी गल चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चूल्हे से मिक्सचर को हटा देंगे। हमारी जो सीवियाँ हैं वो रेडी होने वाली हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, चूल्हे से उतार देंगे। चूल्हे का काम ख़त्म हो गया है, और अब हमने क्या करना है, सीवियों को अच्छी तरह से ठंडा करना है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा करेंगे। तो ये देखें व्यूवर्स, हमारी मज़ेदार क्रीमी सीवियाँ जो हैं वो ठंडी हो चुकी हैं बिल्कुल। इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश क्रीम हाफ कप, और इस फ्रेश क्रीम को मिक्स करूँगी अच्छी तरह से मैं। तो ये देखें, मैंने मिक्स कर दिया है, और अब क्या करेंगे, इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें, मैंने डिश आउट कर दिए क्रीमी सीवियाँ, साथ ही मैंने थोड़े से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट सजा दिए हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं व्यूवर्स क्रीमी सीवियाँ। आप लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स है, उसमें लाजमी बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।